लक्ष्मी मर्डर केस एक दिल दहला देने वाली प्रेम कहानी है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बेंगलुरु के महालक्ष्मी मर्डर केस के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। यह कहानी जितनी दर्दनाक है उतनी ही चौंकाने वाली भी है। महालक्ष्मी और मुक्ति रंजन की प्रेम कहानी जो प्यार और इमोशन से शुरू हुई थी और एक भयानक अंत तक पहुँची। आइए जानते हैं इस पूरे मामले की कहानी। कहानी शुरू होती है एक साधारण मुलाकात साल 2023 की शुरुआत में बेंगलुरु की एक कपड़ों की दुकान में काम करने वाले महालक्ष्मी की मुलाकात 31 वर्षीय मुक्तिरंजन प्रताप से होती है। दोनों साथ काम करते थे और धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी हो गई। महालक्ष्मी जो पहले से शादीशुदा थी अपने पति हेमंत दास से अलग होकर अकेले रहती थी। इस दौरान मुक्तिरंजन महालक्ष्मी के करीब आता चला गया और उसे बेहद प्यार करने लगा। महालक्ष्मी का अपने पति से विवाद हो चुका था और वो अपनी बेटी से मिलने हफ्ते में एक बार जाया करते थे। हालांकि मुक्तिरंजन महालक्ष्मी से प्यार करता था, लेकिन उसकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव थे। महालक्ष्मी के लिए शादी करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में पहले से ही कई उलझे हुए थे। विवाद की शुरुआत समय बीतने के साथ दोनों के रिश्ते में तनाव आने लगा। महालक्ष्मी के अपने पति से अलग होने के बाद भी उसकी ज़िंदगी में और कई लोगों के आने की चर्चा थी। मुक्तिरंजन को यह सब खटकने लगा, क्योंकि वह चाहता था कि महालक्ष्मी उसे ही शादी करे और केवल उसके ही साथ रहे। महालक्ष्मी पर शादी का दबाव डालने के बावजूद महालक्ष्मी उसे इग्नोर करने लगी। इस बीच मुक्तिरंजन ने महालक्ष्मी के मोबाइल में कुछ ऐसी तस्वीरें देख ली जिनमें वो और भी लोगों के साथ नज़दीकियाँ बनाई हुई थी। यह देखकर मुक्तिरंजन का दिमाग खराब हो गया और वो महालक्ष्मी से इस बारे में बार बार बात करने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार झगड़ा हो जाता था। महालक्ष्मी की उपेक्षा ने मुक्तिरंजन को और भी गुस्से में डाल दिया। मर्डर की रात 3 सितंबर की रात मुक्तिरंजन महालक्ष्मी के किराए के घर में गया और दोनों के बीच फिर से बहस शुरू हो गया। इस बार मामला हाथापाई तक पहुंच गया। गुस्से में आकर मुक्तिरंजन ने महालक्ष्मी का गला घोट दिया और उसकी हत्या कर दी। लेकिन हत्या के बाद मुक्तिरंजन ने वही रुका रहा और पूरी रात वो महालक्ष्मी की लाश के पास बैठा सोचता रहा कि वो अब क्या किया जाए। वो सुबह होते ही उसने एक खतरनाक फैसला लिया। लाश के टुकड़े करने की योजना 4 दिसंबर की सुबह मुक्तिरंजन ने पास ही की एक दुकान से एक बड़ा चाकू खरीदा और उसका इरादा महालक्ष्मी की लाश के टुकड़े टुकड़े करके उसे ठिकाने लगाने का था। सीसीटीवी कैमरे में वो कैद हो गया। जब वो चाकू लेकर वापस आया, उसने महालक्ष्मी के शरीर के टुकड़े किए और उन्हें एक फ्रिज में रख दिया। लेकिन यह सब करने के बाद उसकी हिम्मत जवाब दे गई, वो लाश को ठिकाने नहीं लगा सका और घर छोड़कर भाग गया। मुक्तिरंजन की फरारी। महालक्ष्मी की हत्या करने के बाद मुक्तिरंजन भाग निकला और अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। उसकी लोकेशन को ट्रैक किया गया और वो पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तलाशी शुरू कर दी। इसी बीच मुक्तिरंजन ने अपने छोटे भाई से संपर्क किया और उसे बताया कि उसने महालक्ष्मी का कत्ल कर दिया और उसने अपने भाई से पैसों की मांग की और उसे भी जल्द से जल्द शहर छोड़ने के लिए कहा। पुलिस ने उसे ट्रैक करना शुरू किया और लेकिन इससे पहले कि वो उसे पकड़ पाते, एक और दिल दहला देने वाली खबर आई। मुक्तिरंजन ने आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट और भाई से बातचीत। ओडिशा के भद्रक जिले के धुसुरी गांव में
दूसरी गांव में मुक्ति रंजन की एक लाश पेड़ से लटकी हुई पाई गई। उसे उसके पास से पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला जिसमें उसने महालक्ष्मी की हत्या की पूरी कहानी बयान की थी। उसने लिखा था कि वो महालक्ष्मी से बेहद प्यार करता था, लेकिन उसकी उपेक्षा और झगड़े ने उसे यह कदम उठाने में मजबूर कर दिया था। उसने अपने भाई भाई को बताया था कि वो महालक्ष्मी से शादी करना चाहता था, लेकिन वो उसे लगातार नज़रअंदाज करती रहती थी। उसने महालक्ष्मी को खुश करने के लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन आखिरकार वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया और उसने यह घातक कदम उठाया। हत्या का खुलासा। महालक्ष्मी की हत्या का पता 31 सितंबर को तब चला जब उसके कमरे से बदबू आने लगी। मकान मालिक और परिचय ने पुलिस को बुलाया और जब जब दरवाजा खोला गया तो सभी हैरान रह गए। कमरे के चारों ओर खून बिखरा हुआ था और महालक्ष्मी के शरीर में छोटे छोटे टुकड़े महालक्ष्मी के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े फ्रिज में रखे गए थे। महालक्ष्मी की माँ और बहन ने पुलिस को बताया कि महालक्ष्मी का अपने पति हेमंत दास के साथ पहले भी विवाद हो चुका था। वो पिछले कुछ महीनों से अकेले ही रह रहे थे। मुक्तिरंजन से उसका रिश्ता चल रहा था। एक भयानक अंत। इस भयानक घटना ने सबको चौंका दिया। महालक्ष्मी और मुक्तिरंजन दोनों अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी कहानी हमें एक गंभीर गंभीर सबक सिखाती है कि रिश्तों में बढ़ते तनाव और गलतफहमियां की कभी कभी ऐसे भयानक परिणाम दे सकते हैं कि जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, यह थी महालक्ष्मी मर्डर केस की पूरी कहानी। ऐसे घटनाओं से हमें सीखने की जरूरत है कि कैसे प्यार, विश्वास और आपसी समझ से किसी भी रिश्ते को संभाला जा सकता है। उम्मीद है इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।